हेलो हाय सत श्री अकाल नमस्ते। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फोर इन वन पिंकी शर्मा ब्लॉग में वेलकम है। और मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है अर्ली मॉर्निंग से। अभी यहाँ पे मॉर्निंग के 5:15 बजे का टाइम है और आज मैं बहुत ही जल्दी उठी हूँ। और मुझे आज मतलब बच्चों के स्कूल में जाना है। एक्चुअली बच्चों के स्कूल में स्पोर्ट्स डे का वो कुछ फंक्शन रखा हुआ है, इसलिए मेरे दोनों बच्चों को जाना है। इसलिए मैं आज 5 बजे ही उठ चुकी हूँ। आप विंडो के बाहर देख सकते हो बिल्कुल ही अंधेरा है। और मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ, थोड़ा बहुत जो भी काम है मैं फटाफट से कर लूँगी। उसके बाद मुझे बच्चों को उठा करके रेडी करना है दोनों को, और खुद से भी रेडी होना है और टाइम से स्कूल के लिए निकलना है। एक्चुअली हम निकले थे 6:45 पे, और फिर जो भी स्कूल में फंक्शन वगैरह होएगा सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगा। और मैंने चैनल का नाम थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मतलब चेंज कर दिया। आई होप आपको पसंद आएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, चैनल का नाम थोड़ा सा बड़ा चेंज नहीं किया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। मतलब पहले था 4 in 1, अब कर दिया 4 in 1 पिंकी शर्मा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। यहाँ पे फटाफट से मैं कर लूँगी दूध गर्म। एक्चुअली बच्चे सोए हुए हैं, इतने वो उठ के रेडी होंगे, दूध मैं उनके लिए यहाँ पर रेडी भी करके रख दूँगी। और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, देखिए 5:35 हो रहा है, मैं दूध भी रख के आ गई हूँ, दूध गर्म हो रहा है। आई थॉट मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। और बाहर 35 के अंधेरा देखिए, बाहर बिल्कुल ही डार्क नाइट हो रहा है। और बच्चे लेकिन जल्दी ही उठ गए थे, मेरे एक ही कहने से दोनों भाई उठ गए थे। बच्चों का इतना वो हो रहा था ना, मतलब वो लेट सोए और जल्दी भी उठ गए थे। एक्चुअली उनको स्कूल जाना था, उनका डांस था स्कूल में। और यहाँ पे मैंने दूध गर्म करके रख दिया साइड में, मैं फटाफट से एक गिलास पानी पी लूँगी, हल्का हल्का ठंड होता है सुबह में। और फिर मैं फटाफट से अपने काम की शुरुआत करूँगी। बच्चों को भी मुझे थोड़ा रेडी करके घर से ही लेके जाना है। और ये मैंने ना ये यहाँ पे कांच लगाए थे, इसके ऊपर एक लाइट लगा दिया है। ये कभी कभार मतलब जैसे मॉर्निंग में कभी जल्दी उठा जाए, या नाइट में हम इसको ऑन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो, आप बताना आपको कैसा लगा है। यहाँ पे चाय भी मेरा रेडी हो गया है, फटाफट से हम सब चाय पी लेंगे। जाना तो था मुझे और बच्चों को, बट हस्बैंड भी उठ ही गए थे। घर में तब इतना आवाज़ होता है, बच्चे रेडी हो रहे हैं तो कौन सो पाता है, सब उठ ही जाते। यहाँ पे मैंने बच्चों को रेडी कर दिया, उनका कपड़ा पहना दिया है और बाल वगैरह में उनका भी सब सेट कर दूंगी। और ये जो आप देख रहे हो गोल्डन कलर का है, जो ये हाथों में मुझे उनको बांधना है। और ये लोग डांस में हैं तो इन लोगों को अलग कपड़ा दिया है, और ये सब बांधने के लिए दिया है, ये पहन के ही ये लोग डांस करेंगे। और जैसे जैसे होगा स्कूल में जाके आपके साथ सब शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगा। इनको रेडी करने में बहुत टाइम लगता है, सुबह सुबह बच्चों को ठंड में उठाना बिल्कुल भी मुझे आज अच्छा नहीं लगा, बट एक दिन के लिए चलता है। ये देखिए दोनों भाई रेडी हो चुके हैं यहाँ पे, इस तरीके से इनको स्कूल जाना और फिर इनका डांस है। प्रतीक थोड़ा दिखा रहा है, एक्चुअली वो थोड़ा लूज है, मैंने फिर बाद में अच्छे से टाइट कर दिया था। और अभी हम पहुँच चुके हैं स्कूल में, और आगे का आप अभी एंजॉय कीजिए। यहाँ पे सब तैयारी हो चुकी है, टीचर्स और मतलब फादर जजेस सब लोग आ चुके हैं, और काफ़ी अच्छा लगा मुझको तो। Here at your side is the Sapphire House marching.
आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो में। कहीं भी कुछ भी अच्छा लगे तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। अभी आगे का भी बच्चों का डांस है अलग अलग, आई होप आपको पसंद आएगा। और यहाँ पे फ्लैग लगाए जा रहे हैं हर एक अलग कलर के, और उनके लिए बताया जा रहा है। For attention. अलग अलग ग्रुप दिए गए थे सबको, अलग अलग सबका डांस था। वाइट वालों का हो चुका, अभी देखिए ग्रीन वाले यहाँ पे बैलून को ऊपर छोड़ेंगे, काफ़ी अच्छा लगा था। लुक एट दिस। और सारे बच्चे आए थे इतना सुबह सुबह 6:30 पे स्कूल में सब पहुँच गए थे। ये फंक्शन तो बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन मैंने थोड़ा ही रिकॉर्ड किया। आई होप आपको सब पसंद आया होगा। और मैं घर पे 10 बजे आ गई थी और मैं फटाफट से यहाँ पे लग चुकी हूँ लंच में। मैंने मेथी कट किया है, वो उसका मेथी का रोटी बनाऊँगी और ये इसका मैं सब्जी बनाऊँगी, मिक्स सब्जी। इसमें भी मैं मेथी ऐड करूँगी। सारी चॉपिंग मैंने कर ली, फटाफट से मैं यहाँ पर सब्जी बना लेती हूँ। मैंने मस्टर्ड सीड्स ऑयल लिया, उसमें जीरा ऐड किया, थोड़ा सा हींग ऐड किया है, ऑनियन और ग्रीन चिल्ली ऐड कर देना और अच्छे से पका लेना, गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ऑनियन पक चुका, जो भी हमने मटर पोटैटो ब्रिंजल कट करके रखा था सबको ऐड करके मिक्स कर लेना है। और अभी इसमें सारे मसाले ऐड करना है, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार सॉल्ट ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और एक कटा हुआ टमेटो इसमें ऐड कर देना है, इसको भी मिक्स कर लेना है। और वो जो हमने मेथी कट करके रखा था इसमें ऐड कर देना है और ये स्लो गैस पे ढक करके पकाना है। पानी इसमें नहीं ऐड करना है। और ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, स्वादिष्ट के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है, तो आप ज़रूर से बनाइएगा। आई होप आपको पसंद आएगा। स्कूल से हम लोग आ गए थे, आके मैंने लंच बनाया था फटाफट से। एक्चुअली सुबह नाश्ता वगैरह ऐसा हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, तो बच्चों को भी भूख लग रहा था। आई थॉट मैं फटाफट से कर लेती हूँ। मैं सुबह ऐसे ही चली गई थी और थोड़ा बहुत मतलब सारा जितना भी काम था घर का हस्बैंड ने मेरा हेल्प किया था। और यहाँ पे देखिए खाना बन चुका है, मैं यहाँ पे थाली लगा रही हूँ। थाली में है मिक्स सब्जी आलू मेथी की, और मैंने थोड़ा सा सैलेड लिया और मेथी का रोटी है गर्मा गर्म, जिस पे मैं घी लगाऊंगी। और ये लंच थाली बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा है तो ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा है। चैनल पे नई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए, रेसिपीज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलती हूँ।
नेक्स्ट ब्लॉग में।